सो हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने जैसा कि देख ही लिया होगा कि आज हम देखेंगे कि सीएस जम्मू के हॉस्टल की फीस पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टेप करके बताऊँगा, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो अपना आपको चलान, मतलब मेरे केस में यह मैंने चलान से पेमेंट किया था। आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप वहाँ पर आपको ना सी एस जम्मू विजिट करके तब वहाँ पे ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। पर मेरे केस में SBI के चलान के थ्रू होगा। उन लोग खुद ही ना आपको ना चलान प्रिंट करके दे देंगे, आपको सिर्फ जा करके बैंक में जमा करना होगा, राइट। तो देख सकते हैं ये आपका चलान कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आपको इसको PDF में कन्वर्ट कर देना है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर दिया है, पर आप अमाउंट वगैरह देख सकते हैं कितना अमाउंट है। तो ठीक इसी तरह आपका भी होगा। अगर आपको ये BTech का है, अगर आप कोई और ब्रांच के हैं तो उसका थोड़ा कम या ज़्यादा होगा, उसकी बेसिस पे अपना देख लीजिएगा, राइट। तो इसका सबसे पहले आपको PDF बना लेना है, इसका ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा कि आपको PDF का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है CSJMU, राइट, कानपुर यूनिवर्सिटी है। इस पर आपको क्लिक करना है। मेन वेबसाइट पे जाइएगा, फेक वेबसाइट पे मत जाइएगा। मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ, csjmu.ac.in। मैं चलिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे कट कर देना है इसको। आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने आपको काउंसलिंग, उम्मीद करता हूँ कि काउंसलिंग वगैरह आप करवा चुके होंगे और पेमेंट भी कर चुके होंगे, राइट। तो आपको इस जाना है यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी पे जाना है, राइट। और उसके बाद आपको जाना है फैसिलिटी में हॉस्टल के अंदर, राइट, क्योंकि आपको हॉस्टल बुक करना है। तो हॉस्टल पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह लिखी हुई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, पर हम चलिए मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ बुक। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर हॉस्टल पे, हॉस्टल्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको हॉस्टल इन्फॉर्मेशन जानना है तो हॉस्टल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आपको क्लिक करना है रजिस्टर फॉर हॉस्टल्स रूम, तो आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सभी कुछ, राइट। तो अब आपको ना जो हॉस्टल चाहिए उसके आगे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये दोनों बॉयज़ हॉस्टल जहाँ इसमें देखिए बॉयज़ लिखा है, ये दोनों बॉयज़ है, बाकी ये तीनों गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, राइट। तो आप अपने जेंडर के हिसाब से इसको चूज़ कर लीजिए जो आपको चाहिए। तो हम अपने केस में चलिए लेते हैं शिवाजी बॉयज़ हॉस्टल, राइट। ये पुराना हॉस्टल है, मैं इसको ही लेना चाहता हूँ। अब ये नया हॉस्टल है, आप इसको भी ले सकते हैं, पर मैं शिवाजी बॉयज़ हॉस्टल पे क्लिक करता हूँ। तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है और अब आप पूछेंगे कि सर आप ये रोल नंबर में क्या एंटर करना है। यहाँ पे आपको JEE मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है, यानी तो जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के तो इसमें एडमिशन ले रहे हैं उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या डालना है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि दोनों में इसको एक डालना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जैसा देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है अपना, आप अच्छे से देख लीजिए। फिर यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। फिर आपको यहाँ पे ब्रांच डालना है, ब्रांच जो आपको मिला है, जो आप लेना चाहते हैं वो नहीं डालना है, जो आपको मिला हुआ है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा तो आपको उसके हिसाब से डालना है। जो CSE MCA BCA जो भी आपको ब्रांच मिला है वो आपको डालना है। और यहाँ ईयर में आपको जब पहली बार ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट डालना है। अगर सेकंड ईयर के होंगे तो सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो सेकंड डालना है, थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो थर्ड या फोर्थ ईयर में जाना है तो फोर्थ डालना है। फिर आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना है जो आपको मालूम होगा। फिर आपको अपना यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना होगा और यहाँ पर अपने फादर मदर का, गार्जियन का फ़ोन नंबर और एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए जिस फॉर्मेट में दिया आपको इसमें ही लिखना है। जैसे पहले अपने पेरेंट्स का नाम लिखिएगा, उसके बाद कॉमा लगा के उनका फ़ोन नंबर लिखिएगा, फिर एड्रेस लिखिएगा जो भी आपका एड्रेस हो। और ठीक ऐसे इसी तरह इसमें लोकल गार्जियन में अगर आपका मन करे तो इसमें लिख सकते, पर यह भी फॉर्म फिल करना जरूरी। तो यहाँ पर एक में फादर का लिख दीजिएगा, एक में मदर का लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको हॉस्टल नेम जो आपने चूज़ किया वही आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ना आज का डेट दिखा रहा होगा तो इसको आप कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा। अब यहाँ पे आपको OTP डालना है। OTP कैसे डालना, यहाँ पे आपको गेट OTP पे क्लिक करना है।
जब OTP फिलहाल मैंने कुछ भरा नहीं है, तो जब मेरे फ़ोन में OTP आ जाएगा तो हमको यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसी बाद जब आप सबमिट कर देंगे इसको, तो आपको इसको कट कर देना है सिंपली और बैक जाना है। अब आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन। आपने इसको भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, अब आपको स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है। ध्यान रखिएगा आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना होगा कि जो भी आप हॉस्टल चूज़ किए हो उसके वार्डन या असिस्टेंट वार्डन को फ़ोन करना होगा। जैसे मैंने चूज़ किया है शिवाजी बॉयज़ हॉस्टल, तो मैं इसके वार्डन या असिस्टेंट वार्डन को फ़ोन करूँगा, राइट। अब ये जब आप इनको फ़ोन करेंगे तो आपको क्या बोलना होगा कि ना सर मैंने पेमेंट कर दिया है। अगर वो आपसे पेमेंट का ये रसीद मांगते हैं तो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू जिस पे भी मांगेंगे वो आपको दे देना होगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अपना उनसे बोलना होगा कि सर मेरा फ़ोन नंबर है, जो भी आपने फ़ोन नंबर OTP जब जिस पे मंगाया था वो नंबर आपको ना बताना होगा कि ना सर ये मेरा नंबर है, इसको आप वेरीफाई कर दीजिए। जब वो वेरीफाई कर देंगे, पेमेंट वो देख लेंगे, जब आपका सक्सेसफुली वो कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको आना है मोबाइल नंबर पे, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है और फिर गेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं OTP को इंटर कर देता हूँ और मैं फिर लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा मेरा पूरा डेटा आ जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको फ़ी की जो फ़ोटो थी मैंने आपको पहले दिखाया था वो अपलोड करना है। ये देखिए प्रोसेस दिखा रहा है, ये अपलोड हो चुका। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना और उसको अपलोड कर देना है, तो मैंने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिखाया, तो इसका मतलब आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ पे अब हमें हॉस्टल अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैंने शिवाजी बॉयज़ हॉस्टल सेलेक्ट किया। अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है, जैसे मैं ब्लॉक बी में लेना चाहता हूँ तो ब्लॉक बी सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर रूम नंबर चूज़ करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रूम नंबर B62 लेना चाहता हूँ, तो मैं B62 पे क्लिक कर देता हूँ और अब सेव पे क्लिक कर देता हूँ। और देख लीजिए अब चार्जेस वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है मेक पेमेंट के नीचे, आपको सभी चार्ज मेस चार्ज वगैरह, और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना, आपको डायरेक्ट ये रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पे। तो देखिए मेरा पेमेंट पेज ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे जिससे भी पेमेंट करना है कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए UPI से आप मत पेमेंट करिएगा, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करिएगा। तो फिलहाल मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड की सभी डिटेल फिल कर देता हूँ। अब आपको पे नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन में OTP जाएगा, जब तक ये प्रोसेसिंग ले रहा है तब तक आपके फ़ोन में देखिए OTP पहुंच चुका होगा। यहाँ पे देखिए OTP पेज रिडायरेक्ट आ गया है, तो अब यहाँ OTP इंटर करने के लिए दे रहा है, तो मेरा OTP आ गया, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ अब OTP। अगर आपका नहीं आया तो आप रिसेंट OTP भी क्लिक करके मंगा सकते हैं फिर से। अब मैं आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के पेज पे क्लिक करने मतलब सबमिट के बटन क्लिक करने के बाद आपको रुक जाना है, आपको अब कुछ भी नहीं करना है, जो भी होगा ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। अब आपको यहाँ पे आ जाएगा, अब आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड प्रिंट रिसिप्ट, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आएंगे आपको रिडायरेक्ट कर देगा मेन पेज पे, तो आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे और ठीक उसी तरह अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है और उस पर OTP मंगवाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP इंटर करना है। तो चलिए मैं अपना OTP इंटर कर देता हूँ, अब मेरे फ़ोन में OTP आ गया है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया प्रिंट करने का। आप इसको प्रिंट करके रख लेना है, आपको अपने पास इसको प्रिंट आउट करा के आपको कॉलेज ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो वेरीफाई करके आपको रूम के अंदर जाने देंगे। तो मैं इसको प्रिंट करके रख लेता हूँ अपने पास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे हॉस्टल का पेमेंट वगैरह करना है और हॉस्टल कैसे बुक करना है, राइट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने जल्दी जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।